तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से बड़ी बड़ी दुआएं करें। इम्पॉर्टेंट, हम अपने नमाजों को वक्त पे अदा करें, सबसे इम्पॉर्टेंट। और सिर्फ फर्ज नहीं, हम कोशिश करें सुन्नत और नफलों का भी अहतमाम करें। जब हम कहते हैं कि हमें अपने नबी से इतनी मोहब्बत है, तो नबी की मोहब्बत का इजहार हमारी जो जिंदगी में सुन्नतें हैं उससे और हमारी नमाज की सुन्नतों से भी जाहिर होगा, है ना। ऐसी तो यू नो मोहब्बतें मोहब्बतें कहें कि कुछ होता नहीं है, हमें वो कहते हैं ना, हर मोहब्बत को दिखाना पड़ता है, इंसानों को भी तो दिखाना पड़ता है। तो उसी तरीके से हमें जब अल्लाह से मोहब्बत होती है, जब अल्लाह का हुक्म फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मोहब्बत को दिखाते हैं कि देखो अल्लाह, आज मैंने हिजाब क्यों लिया, क्योंकि मुझे अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। जब मैंने उनका असल तारुफ जाना और मैंने असल पहचाना, तो मुझे लगा नहीं, मेरा अल्लाह ये पसंद करता है, तो आज मैंने अल्लाह के लिए ले लिया। आज अगर कोई वही उतर जाए और कहे कि पर्दा करना कैंसिल, अल्लाह की तरफ से कैंसिल, पर्दा नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहले मैं उतार के फेंक दूंगी। हर घर का ये है। लेकिन अब आज जब मैं ये बात कर रही हूँ, तो आपके अंदर एक किसी के दिल में अंदर आ रहा होगा ना, नहीं बाबा ऐसे कैसे, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पर्दे के साथ हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत और एज एन इंसान, एज एन औरत, हमारे अंदर हया डाल दी है। अब आप सोच भी नहीं सकते अपने आप को कि आप एक यू नो अपनी रुमाली के बिना या सर पे दुपट्टे के बिना बैठो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वो हया डाली है अंदर। पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल लगती थी, पैर दिख जाए नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सबके तो दिखते हैं, क्या बड़ी बात है, बाल दिख जाए कोई बड़ी बात नहीं है।